तो दोस्तों, क्या आदि पुरुष पठान के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देगी? क्या आदि पुरुष पठान से आगे निकलकर छप्पर फाड़ कमाई कर पाएगी? हो भी सकता है, क्योंकि आदि पुरुष को लेकर गजब की तैयारियां चल रही हैं, जिससे आदि पुरुष अपने रिलीज वाले दिन ओपनिंग डे पे अच्छा खासा कलेक्शन कर सके। तो अब सवाल ये है कि क्या आदि पुरुष ओपनिंग डे 100 करोड़ पार कर पाएगी या नहीं, क्योंकि पठान का ओपनिंग डे समथिंग 100 करोड़ के आसपास ही था। तो प्रिडिक्शन के हिसाब से बताऊंगा इसी वीडियो में, तो प्लीज एंड तक बने रहना और सब्सक्राइब भी कर दो जल्दी से। अब जैसा कि आदि पुरुष नेक्स्ट वीक रिलीज होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और फैंस इसको थिएटर में जाकर देखने के लिए सुपर एक्साइटेड हैं, ऐसे में इसके बज और हाइप को देखकर कहा जा रहा है कि प्रभास की इस फिल्म में ना कि भारत में बल्कि पूरे वर्ल्ड में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने की बहुत बड़ी एबिलिटी है। लेकिन पिछले रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती शाहरुख खान की पठान है, क्योंकि पठान ने पहले दिन 100 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और यह अभी तक 2023 में भारत की सबसे बड़ी ओपनर बनी हुई है। अब ऐसे में प्रभास का नाम जुड़े होने के साथ आदि पुरुष के पास पठान को धूल चटाने का हर मौका है, क्योंकि प्रभास पठान से पहले ही एक हिस्टोरिकल ओपनर दे चुके हैं। नाम आपको पता होगा, नाम है बाहुबली। और इस फिल्म ने अपने सारे राइट्स बेचकर 432 करोड़ का कलेक्शन पहले ही कर लिया है, मतलब अपने बजट से 75% की कमाई पहले ही कर ली। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब ऐसे में आइडिया लगाया जा रहा है कि प्रभास की आदि पुरुष हर एक रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकती है और कमाई के मामले में सबसे आगे जा सकती है। अब देखो, बात यह है दोस्तों कि साल 2023 का सबसे बड़ा ओपनिंग डे पठान के लिए था, जिसने 57 करोड़ की नेट क्रेडिट कलेक्शन किया था इंडिया के अंदर। अब ऐसे में आदि पुरुष को 60 करोड़ का कलेक्शन करना होगा इंडिया में, और उम्मीद लगाई जा रही है कि इतना कलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसके तेलुगु वर्जन से आदि पुरुष को मासिव बूस्ट मिलने वाला है। दूसरी बात यह है कि शाहरुख खान की पठान ने फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन 313 या 14 करोड़ का किया था, और ये रिकॉर्ड आदि पुरुष फर्स्ट वीकेंड में कितना कर पाएगी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। वो फर्स्ट कलेक्शन और दूसरे दिन का कलेक्शन देख के आइडिया लग जाएगा, मतलब रिलीज के बाद ऑडियंस के बीच क्या पागलपन देखने को मिलेगा इस मूवी के लिए, उससे आइडिया लग जाएगा कि फिल्म आगे कितना कमाने वाली है और कितना चलने वाली है। तो दोस्तों, क्या आदि पुरुष तोड़ पाएगी सारे रिकॉर्ड या पठान आदि पुरुष के बीच में आ जाएगी? यार देखो, मैं तो श्योर नहीं हूँ, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है प्लीज बताओ कमेंट करके, और अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो ऐसी ही वीडियो रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।